लेकिन ये देखो ना, सामने कोई भाई साहब गाड़ी रोक के चला गया, आप निकलूं मैं कैसे? निकालो। गुड मॉर्निंग। सो आज का डेट है 15th of April 2019 और टाइम अभी हो रहा है सुबह के 5 और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जा रहा हूँ घर गुवाहाटी, तो अभी मेरी बोर्डिंग के लिए थोड़ी टाइम बाकी है, 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और मैंने सारा काम वाम ख़त्म करके, पैकिंग वैकिंग करके ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हुआ करीब रात के 1:30 बजे। और उस टाइम में क्या ही सोना, क्योंकि अगर मैं सो गया तो डेफिनेटली मैं नहीं उठ पाता, तो इसलिए मैं बिना सोए ही आ गया। तो ऑलराइट, सो पूरी रात जब आप जगते हो तो एक दिक्कत ये होती है कि भूख लगती है, और मेरे को अभी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने एक सब्वे ऑर्डर कर दिया है। तो बोर्डिंग के लिए अभी कुछ टाइम बाकी है, तो ये खा के मैं आपको सीधा फ्लाइट में मिलता हूँ। ऑलराइट, सो अपनी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, अब मैं सीधा सोने वाला हूँ फ्लाइट पे, तो मिलते हैं सीधा गुवाहाटी पे। और बहुत तेज स्वागत किया है बारिश ने, तो यही तो सबसे अच्छी बात होती है असम में कि जब मन किया बारिश हो जाती है। तो दिल्ली की गर्मी से अभी यहाँ आते आते काफ़ी रात मिल रही है, तो अभी ओला करते हैं। ऑलराइट, सो घर पहुँचने के बाद एकदम बढ़िया सा माँ के हाथ का खाना खाया, ओ माय गॉड क्या मज़ा आ गया इतने दिनों बाद। और उसके बाद एकदम फिर मज़े लेके सोया, क्या मस्त वेदर हो रखी थी, एकदम हल्की हल्की बारिश और थोड़ी थोड़ी ठंडी, और बिल्कुल कम स्पीड में फ़ैन लगा के मैं सो गया। अब मस्त 3-4 घंटे सोने के बाद अब मैं उठा हूँ। अब टाइम हो रहा है 5:30 शाम के, और हमारे यहाँ पे गुवाहाटी में एक ही दिक्कत यह है कि अभी लाइट बिल्कुल जाने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो, और फ्रेम में भी अंधेरा आ रहा होगा। तो अभी बस निकला हूँ घर से, तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी नीलमाटी पहुँच गया हूँ, और नीलाक्षी का इंतज़ार हो रहा है यार, वो आ ही नहीं रही है, तब से फ़ोन लगा रहा हूँ, कहाँ पे रह गई? इतना टाइम कौन लगाता है यार, हो गया बस। कहाँ थे तुम? बारिश हो रही। कहाँ पे बारिश हो रही है? देखो भाई लोग, ये सब सब झूठ बोल रही है। यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, मेरे घर के उस साइड हो रहा था। अरे कहीं बारिश नहीं हो रही है, अब बताओ क्या प्लान है, कहाँ पे चलना है बोलो। पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। अब लेकिन ये देखो ना, सामने कोई भाई साहब गाड़ी रोक के चला गया, आप निकलूं मैं कैसे? निकालो। ऑलराइट गाइस, सो आज हम जहाँ जाने वाले थे, एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग जाके आ गए, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पे हमको सीट नहीं मिली, और उसके कारण लड़की का मूड ख़राब हो गया। और क्या बोल रहे हो? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अभी इसलिए हम लोग आए हैं, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे ताई सिंह बोल के, जहाँ पे एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे मिलता है अरुणाचली कुजीन। सो अभी वही ट्राई करने वाले हैं। ऑर्डर कर दिया है इसने, चिकन थाली ऑर्डर किया है, और मैंने कर दिया है पॉक थाली। तो चलो अब ये खाना एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। ऑलराइट गाइस, सो पॉक थाली आ चुकी है, चिकन थाली आ चुकी है, लेट्स टेक सम डिलीशियस बिंगोस। तो आज हमारे साथ नए टेक्निकल गुरु जी मौजूद हैं, और क्या करने वाले हो? अनबॉक्सिंग। किस चीज़ की? टुकुला भात। और उसमें मतलब होता क्या है उसमें? इसमें राइस होता है, स्टीम राइस। और इट्स रैप्ड। अच्छा समझा यार, ऐसे टेक्निकल कैसे बनाते हैं? अरे इसको रैप किया गया है ना, इसमें क्या बोलते हैं, बनाना लीफ होता है, उसमें ये रैप किया गया है, तो उसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं टुकुला भात। एंड दिस इज यू नो, it's under this this leaf, there is rice inside it, steam rice. So बात तो हिंदी में भी बोल सकती हूँ। हाँ, ओके ओके, सो चलो अब कहूँ। हाँ हाँ, कर रही हूँ। how amazing is this,
अब तुम बंद करो, लेट्स ईट। तो कैसा है? इसने तो स्टार्ट कर दिया, खाना शुरू करता हूँ मैं भी। अब कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, तो सी यू आफ्टर द मील। बहुत बढ़िया था, पेट भर गया, अभी जगह ही नहीं है, यहाँ तक है खाना, यहाँ तक। और अभी स्वीट डिश कस्टर्ड का मजा लिया जा रहा है। चलो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ वहाँ पे, वहाँ से निकाल देने के बाद। खा के निकल चुके हैं अभी हम, और एक अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या करना है तुमको? मुझे खाना पैक करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जब बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब से खा रहे हैं। सो ऑलराइट गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो मेरे को लग रहा है, और सुबह से ही मैं आया हूँ और सिर्फ 2-3 घंटा ही सोया, फिर अभी बाहर आके घूम रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है, हर यूट्यूबर बोलता है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी अगले 10 दिन तक मैं गुवाहाटी में हूँ, और ट्राई कर रहा हूँ कि कम जितना भी हो सके रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ और जल्दी से जल्दी अपलोड भी करूँ। तो बने रहिए, और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल देन, दिस इज योर विद नीलाक्षी साइनिंग ऑफ। बाय बाय। Como tú vives, como tú vives, te cuento que tú eres una por el de miles. Estás más buena que paloma y no eres de Chile. Tu plan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives. Como tú vives, como tú vives, te cuento que tú eres una por el de miles. Estás más buena que paloma y no eres de Chile. Tu plan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives.